friends, how are you? Hope you are good and you are learning properly. आपकी सभी विषय की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, मुझे आशा है आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों को संस्कृत में पार्ट एक और दो पार्ट पढ़ा दिया है। अब मैं पार्ट तीन शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पहले इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन देती हूँ, उस तरह से आप लोगों को पहले पाठ के बारे में कुछ मैं बता दूँ। और उसके पहले जो मैंने आप लोगों को प्रत्यय पढ़ाया था वो प्रत्यय आप लोगों को फिर एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। कत्वा, ल्याप, तुमुन और अर्थप्रत। कत्वा का अर्थ होता है करके, पाठ जोड़ कत्वा पठित्वा, और उपसर्गयुक्त धातु के साथ कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्याप प्रत्यय लगता है। वी जोड़ हस जोड़ ल्याप भी हस्य। तुमुन प्रत्यय, तुमुन का अर्थ होता है के लिए, पाठ जोड़ तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए, और पाठ प्लस अक्ता पठिता पढ़ा हुआ, पाठ प्लस अक्ता पठिता लिख प्लस अक्ता लिखिता। ये आपको क्या कत्वा ल्याप तुमुन और अक्ता प्रत्यय। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ तब्यत प्रत्यय। तब्यत का अर्थ होता है करने योग, पाठ जोड़ तब्यत पठितव्य। इसका पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग रूप होता है। पाठ जोड़ तब्यत पठितव्य, पठितव्य पठितव्य पठितव्य। पठनीय अनियर प्रत्यय, पाठ प्लस अनियर पठनीय पढ़ने योग्य। और एक है क्षत्रिय के बाद प्रत्यय जो होता क्षत्रिय प्रत्यय का अर्थ होता है करता हुआ, पठ जोड़ क्षत्रिय पठन, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठंती। खाद प्लस क्षत्रिय खादन, खाद स्त्रीलिंग में हो जाएगा खादंती, बड़ी की मात्रा, क्योंकि पठती पठत तो पठंती में आपकी छोटी की मात्रा होती है, हर्ष काट। और जब हम लोग क्षत्रिय प्रत्यय बनाएंगे तब उसमें दीर्घकार की मात्रा, दीर्घ की मात्रा हो जाती है। तो गम प्लस क्षत्रिय गच्छन पुलिंग, और गम प्लस क्षत्रिय गच्छन्ति स्त्रीलिंग में प्लस इंग प्रत्यय गच्छन्ति। तो बच्चों, आप लोग कत्वालयप तुमुन अक्ता के अलावा क्षत्रिय प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय और अन्य प्रत्यय भी आप लोग पढ़ोगे। इस पाठ में आप लोगों को बताया गया सोमप्रभा, सोमप्रभा के बारे में बताया गया। सोमप्रभा एक लड़की है जो अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ अपने ससुराल में दहेज के अत्याचार झेलती है। उसकी सास मतलब सोमप्रभा की दादी अपनी बहू को बहुत टॉर्चर करती है, बहुत परेशान करती है, बात बात पर उसे गालियाँ देना, ताने देना, ये सब करती है। और छोटी सी बच्ची सोमप्रभा ये सब देखती है, उसके कोमल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और वो अपने माँ को बचाने का उपाय सोचती है। और इस ये सारी कहानियाँ जो है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग बच्चों देखिए, दहेज की जो प्रथा है ये बहुत समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है। किसी के गरीब या अमीर होने में उसका कोई खुद का दोष नहीं होता है, भाग्य भी होता है, और अगर कोई गरीब है तो है और अमीर है तो है, लेकिन किसी अपना घर भरने के लिए अगर किसी को कोई दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चों, पाठ को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उससे एक लेसन लेना है, उस समझना है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे ही तो जीवन का प्रतिबिंब होता है। हमें अच्छा भी सीखना चाहिए और बुरा भी सीखना चाहिए। अच्छा हमें करना है, हमें ये सीखना चाहिए, और बुराई जो भी किसी कहानी में जो बुराई नज़र आती है वो बुरा हमें नहीं करना है। बच्चों, हमें यही सीखना है। खुश रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।